मैं अरविंद आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ जिसका नाम पिजन लवर हाई फ्लाइंग्स है। और मैं आज अपने सारे कबूतरों को कैच मारने वाला हूँ क्योंकि ठंडी आ चुकी है, अब कबूतर उड़ाने का सीजन जा चुका है। ये मेरे सारे कबूतर जो दाना चुग रहे हैं, अब इनको एक एक करके सबको कैच मारने वाला हूँ मैं। दाना चुगने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कैच मारते हैं और कैसे कैच मारते हैं वो भी दिखाऊँगा फ्रेंड्स। ये मेरे सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं, अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कैच मारेंगे। और फ्रेंड्स जिसको भी मेरी वीडियो अच्छे लगे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फ्रेंड जैसे कि मेरे पेटी देख रहे होगे, पहले यहाँ पे एक बड़ा सा पिंजड़ा हुआ करता था, वो पिंजड़ा ख़राब हो गया था इसीलिए मैंने उसको तोड़ दिया और उसको मैंने हटा दिया है क्योंकि वो पिंजड़ा सड़ रहा था धीरे धीरे। तब मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कुछ समझ रहे हो ना कुछ अगर पैसे कलेक्ट करके लोहे का पिंजड़ा बनवाऊँ ताकि कबूतरों के लिए भी सही रहे और उसमें खुला भी रहेगा और कबूतरों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और साथ में तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था पिंजड़ा बनवाऊंगा अगर आप सब भाइयों की सपोर्ट रहेगी तो। फ्रेंड्स मैं वीडियो तो लगातार डाल रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्यों आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती? तो फ्रेंड्स कमेंट में पक्का बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जैसे कि गाइस मैं कह रहा था कि इनको कैच मार रहा हूँ ठंडियों के लिए क्योंकि ठंडी में इनके ब्रीडिंग करवाऊंगा और बहुत सारे बच्चे पलवाऊंगा, उसके बाद गर्मियों में इनको उड़ाऊंगा। और फ्रेंड्स मेरे इधर साइड कोई कुछ कबूतरबाज रहते हैं, उनके साथ फिर टूर्नामेंट होगा हमारा। हमारे वीडियो में लगातार बने रहें, फिर आपको मैं अपना टूर्नामेंट दिखाऊँगा और देखते हैं क्या होता है, हारते हैं कि जीतते हैं कोई बात नहीं, हारेंगे भी तो उसके बाद भी दूसरी बार तो प्रैक्टिस करके हम जीतेंगे ही। और फ्रेंड्स पिंजड़ा तो हम इधर साइड नहीं शिफ्ट करेंगे, पिंजड़े को हम उस साइड शिफ्ट करेंगे जैसे कि कोने में कुछ बड़ा सा पिंजड़ा बनाएंगे, ये है कोना, क्योंकि उधर साइड बहुत प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पर दीवार में दरार रहते हैं इसीलिए हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अब हम इधर साइड बनाएंगे। इधर साइड सही है और इधर सर हरियाली भी है एक तरह से, और हम इतनी कम से कम इतनी ऊंची तो हम बनाएंगे पिंजड़ा और यहाँ तक बनेगा कम से कम पिंजड़ा और इसमें दो पेटी रहेगी। और कबूतर तो ज़्यादा नहीं रखूँगा, थोड़े कम ही रखूँगा क्योंकि फ्रेंड्स सारे हम तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता रहा था कि पंजाबी शौक करता हूँ ताकि पंजाबी कबूतर थोड़े कम ही मतलब मैं कबूतर थोड़े कम ही पालना चाहता हूँ, ज़्यादा कबूतर रहते हैं तो बेकार होते हैं क्योंकि फिर उड़ाने प्रॉब्लम होते हैं और कबूतर सही से उड़ते नहीं हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स मैं थोड़े कम ही कबूतर रखूँगा। और ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते वक्त मैं जा रहा हूँ थोड़ा अब कबूतरों को कैच मार देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तब कबूतरों को कैच मारते हैं। पहले कबूतरों को बंद करते हैं, उसके बाद कबूतरों सारे को कैच मारते हैं। भाई ये मेरे बहुत बड़े कबूतर बाज भाई हैं, ये सामने वाले छत पर पालते जहाँ पे झंडा लग रखा है, छत पर पालते हैं ये, काफ़ी समय से कबूतर पाल रहे हैं ये, उम्र में तो छोटे हैं लेकिन हंसने की बात नहीं फ्रेंड, ये उम्र में तो बहुत छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े कबूतर बाज समझ रहे हो ना मेरे से बहुत काफ़ी टाइम पहले से कबूतर पाल रही है तो इनको कबूतर के बारे में बहुत जानकारी है, इसीलिए भाई मैं इनको बुलाया हूँ ताकि बताएं कि कैच कैसे मारना है, नहीं तो क्या पता उल्ट सुलट कट जाए तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है कबूतरों को, तो इस भाई को बुलाया हूँ अब कैच मारूँगा। ये पर है तो परों को पहले पकड़ना है, ये जहाँ ये ऊपर का ये दिख रहा है इतना ऊपर से बस काटना है, इसके नीचे नहीं काटना नहीं तो ऊपर ख़राब हो सकते हैं। इन भाइयों ने भाई ने मुझे पहले बता दिया है ये फ्रेंड्स दो कुंडे छोड़ने और बाकी काट देने हैं। ये फ्रेंड दूसरा कुंडा है, ये कटा, दोनों तरफ बस दो कुंडे छोड़ने हैं बस और काट देने बाकी पर, और ज़्यादा नहीं मतलब थोड़े बहुत तो छोड़ने, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा कबूतर। ये कबूतर कैच मारे मैंने, मैं दूसरा कबूतर निकालने वाला हूँ और कैच मारेंगे।
तो फ्रेंड्स पहले इस लाल बच्चे को लेते हैं जो मैंने पकड़ा था, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बच्चा तो हमारे पास हिल चुका है, लेकिन फिर भी इसको कैच मार लिए। इसके भी इसको तो कली आ रही है, इसलिए कली वाला पर नहीं काटेंगे क्योंकि वो कच्चा है, उसमें खून आ रहा होगा, खून आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है भाई। और ये काट दिया भाई, ये कुंडा था, ये कच्चा था, कली से ले नहीं काटा इसको, नहीं तो खून आ जाएगा, पर ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स बस ये कैच हो चुका है। अब इस प्रकार किसी को उतरी जानी फ्रेंड्स डालने के बाद बच्चे का कैच मारूंगा, क्योंकि ये बहुत दुखी कर रहा है, ये अंदर बंद नहीं हो रहा है क्योंकि इसको छतरी पर लगाया था और ये लग भी चुका है। मुकोई बच्चा है, मेरे घर का ही बच्चा है ये, तो अब इसको कैच मारना है। वैसे तो ये बहुत छोटा है लेकिन फिर भी कैच मारो, क्योंकि टोटल को उधर कैच मारना है, इसको थोड़ा आराम से मारना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसके देख के कहीं कुंडी पर ना हो और कैच मारना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैच तो मार दिया लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसका भी ढंग से बाल भी नहीं लगा है। अब अगली गर्मी तक तो ये बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स जब आपको कैच मारना है तो बहुत आराम से सावधानी से मारना है, नहीं तो कबूतर डर भी सकता है। कबूतर की बारी है, कबूतर निकालना है, मारना है उसको भी। जो मेरी कबूतरी है लाल चिंगी सफेद नाक की कबूतरी है, इसने भी अंडे टेक रखे हैं, इसको भी कैच मारेंगे। मेरा मेरा बच्चा है, घर का मतलब कट्टा है, ये भी मेरे के जोड़ का था, वो जोड़ पूरा जोड़ का जोड़ भाग गया है। ये तक्का बच्चा है मेरा, काली आँखें और एक सफेद आँखें, फिर ये इसके ऊपर है, ये तो अलग ही बच्चा निकला है। फ्रेंड्स दूसरे कबूतर बनाया, जैसा कि फ्रेंड्स ये रहा मेरा सफ़ेद कबूतर है, सफ़ेद आंखों का, ये बहुत बढ़िया कबूतर है, ये मेरे पुराने कबूतर में सबसे बढ़िया उड़ने वाला कबूतर है। देखिए फ्रेंड्स ये भी एक कुंडा गिर रहा है, ये भी बहुत कच्चा है। फ्रेंड्स दूसरे कबूतर का फ्रेंड्स ये मेरे कबूतर ने जिसको मैं अभी कैच मारने वाला हूँ, वो अंडे बैठा हुआ था, इसकी कबूतरी कैच हो चुकी है, लेकिन अभी अभी ये होगा मेरी आँख का कबूतर, अच्छी आँख होगा, बहुत बढ़िया कबूतर है। फ्रेंड्स देखिए ये भी कली छोड़ रहा है, बहुत कच्चा है लेकिन ये कुंडा है, क्योंकि कबूतर ठंडी के वक्त में पतझड़ में चलते हैं ना फ्रेंड्स, ये कबूतर पर झाड़ रहे हैं। इधर भी जैसे कि कुंडा निकल रहा है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब अगले कबूतर का ये लाल कबूतर जो अंडे पे है और इसकी दंगी फ्रेंड्स, ये भी तिल कटी कबूतरी है फ्रेंड्स, पीली आँखों की, फ्रेंड्स की मैं तीन कुंडे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा ऊंचा कंधा है,
और ये अंडे पे भी, इसलिए इसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसके 3 कुंडे छोड़ दिए हैं। तो वैसे तो कैच है, इसीलिए इसको और काटने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पहले कैच है। अब दूसरे कबूतर निकालें। फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया बच्चा है, लेकिन ये कबूतर निकली, वैसे तो मैं इसको पट्टा समझता था लेकिन ये कबूतर निकली, ये भी बहुत बढ़िया होता था। इसके मैंने इसको इस अंदर के साथ जोड़ लगा दिया है, जो दुबासा है बावरा सा, इसके साथ जोड़ लगा दिया है और इसको कैच मार देंगे। फ्रेंड्स और सब बाकी कबूतर अधिकतर कैच ही हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये कबूतर इधर अच्छी पीले आँखों की पंजाबी, ये तो कैच ही है, ये तो कैच ही है। फ्रेंड्स भी मकोया कबूतर है, ये पंजाबी चल रहा है। फ्रेंड्स ये भी कैच ही है और इसका ये देखिए फ्रेंड्स सारे पर बैठ चुके हैं। ये कबूतरी है जो मैं अभी नई नई लाया हूँ, ताकि कबूतरी है पंजाबी कबूतरी है, ये भी फ्रेंड्स कैची है, बहुत बढ़िया कबूतरी है ये। इसके पंजे हैं फ्रेंड्स, ये कबूतर भी कैची है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया कबूतर है फ्रेंड्स, मद्रासी और पंजाबी मिल के क्रॉस कबूतर है फ्रेंड्स। इसके पंजे कति नीले, ये कबूतर भी नया है हमारा, नया कबूतर है, बच्चा है ये, पट्टा सफेद आपका, ये भी कैची है। ये एक लास्ट कबूतर है गया, ये भी, ये तो परंद है लेकिन इसको मैं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ये कबूतर तो होना ही चाहिए परंद, क्योंकि काम आ सकता है कभी, इसीलिए फ्रेंड्स ये दर्चा कबूतर है पीली आपका। एक बार इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे को बेचना है कबूतर, लेकिन इसके लिए एक मादा मिल गई है, इसीलिए इस कबूतर को नहीं बेच रहा अब मैं, जिस भाई को भी चाहिए होगा। अब मैं इस कबूतर को नहीं बेच रहा हूँ, तो ये कबूतर है इसको कैच नहीं मार रहा क्योंकि ये ज़रूरी के लिए काम भी आ सकता है, तो फ्रेंड्स को मैं छोड़ रहा हूँ। फ्रेंड्स ये सारे कबूतर हैं, सारे कैच हो चुके हैं, अब ये सारे को प्रॉब्लम भी हो रहा है, एक दो दिन तक प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स खंधे में जाने में, फिर अगले दिन से जाने लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये परंत थे पहले, अब ये कैच हो गए हैं, इसलिए इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनको कोशिश करते करते अपने कंधे में जाने लगेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स कितने पर इकट्ठे हो चुके हैं, अब इनको फेंकना नहीं है, अगर आप फ्रेंड्स आप कैच मारोगे तो इन परों को फेंकना नहीं है, इन परों को इकट्ठे करके इनके कंधे में रख देना है, क्योंकि जो भी आपके कबूतर ब्रीडिंग करेंगे उनके लिए पंख घोंसले की तरह काम करेंगे और अंडे सही से बच्चे पलेंगे, अंडे में से सही से बच्चे निकलेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो दोबारा मैं बोलना चाहूँगा, मेरे वीडियो Anybody out there hear me?